मुकम्मल कर दिया जाएगा। अगर मैं इसकी लोकेशन आपको समझाऊं तो सामने नीपा चौरंगी फ्लाईओवर रिपेयर करवा दिए, तो आज इस बात को भी तकरीबन 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं। साल के अरसे में इंशाल्लाह इस पूरे कराची को चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएंगे चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, ये रोड काफ़ी अरसे से ख़राब है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 ये कहलाता है। और अगर मैं इसकी लोकेशन आपको समझाऊं तो सामने नीपा चौरंगी फ्लाईओवर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस रोड की मैं बात करूं तो कई सालों से इस रोड की यही हालत है। लास्ट मैंने 2 से 3 वीडियो इसके मुताबिक अपलोड की थी, तो यहाँ पानी का काफ़ी प्रॉब्लम था। इसको मेयर कराची साहब ने बड़ी स्पीड के साथ रिपेयर करवा दिया, तो आज इस बात को भी तकरीबन 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं और वो पानी की लाइन दोबारा डैमेज नहीं हुई है। रोड की कारपेटिंग के हवाले से मैंने मेयर कराची साहब से कई बार रिक्वेस्ट की है, सर तो मेहरबानी करके यहाँ पे रोड कारपेटिंग करवाई जाए ताकि आवाम का जो मसला यहाँ पर चल रहा है कई सालों से उससे निजात मिल जाए। मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है और ये देख के कि यहाँ पे काम शुरू करवा दिया गया और यहाँ पे मैंने टीम से बात की है जो यहाँ काम कर रही है, तो बता रही है कि 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह रोड कारपेटिंग का काम यहाँ पर मुकम्मल कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि 2 से 3 दिन में ये रोड कारपेटिंग का काम भी मुकम्मल हो जाए। मैं ख़ास मशकूर रहूँगा मेयर कराची साहब का, मुर्तज़ा वाहब साहब का। इस रोड की अगर मैं हालत की बात करूं तो ये चंद सालों से नहीं बल्कि कई सालों से इसकी यही हालत रही है और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि इस रोड को लाजमी रिपेयर किया जाए। लास्ट यहां पे नीपा फ्लाईओवर पे रेनोवेशन का काम काफ़ी करवाया गया था, लेकिन इस रोड की कारपेटिंग के हवाले से पता नहीं क्यों ये काम बार बार पेंडिंग में जाता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये न्यूज़ मेरे पास आई है और उसके मुताबिक यही मुझे बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इसकी रोड कारपेटिंग का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा कदम है, वो एक उर्दू में मुहावरा है कि दे रहा है दोस्त है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये लाजमी रोड कारपेटिंग हो जाएगी। ये नीपा फ्लाईओवर और इस वक्त लेबर यहाँ पर काम कर रही है। एक छोटा सा पैचअप है क्योंकि 5 से 6 साल उस जगह को इसी तरह हो गए, तो सलाह करें कि यहाँ पे भी तब्दीली आ जाए। जिस तरह मेयर कराची साहब ने कहा कि 2.5 साल के अरसे में इंशाल्लाह इस पूरे कराची को चेंज करेंगे। काफ़ी डेवलपमेंट मेयर कराची साहब के दौर में हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी मज़ीद डेवलपमेंट वगैरह नज़र आएगी। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।